हेलो गाइस, मेरा नाम है गजेंद्र। आज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे एस्प्रेसो बस सेलेरियो करेंगे कि दोनों गाड़ियों का कंपेयर करूंगा मैं, तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कौन सी रहेगी और आप भी इनमें कंफ्यूजन है तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ये मैसेज करते हैं और कमेंट भी करते हैं कि इसका कंपेरिजन करो कि दोनों गाड़ियों से आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कौन सी रहेगी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले सेलेरियो ZXi का मैं कंपेयर करूँगा एस्प्रेसो VXi प्लस टॉप वेरियंट के साथ। तो बात करते हैं हम सबसे पहले ऑन रोड प्राइस के ऊपर। तो सेलेरियो ZXi आपको पड़ेगी 5.80 लाख की ऑन रोड न्यू दिल्ली में, और एस्प्रेसो का VXi प्लस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 5 लाख का पड़ जाएगा। तो 80,000 हमारा सेलेरियो ZXi मैनुअल महंगा पड़ेगा आपको एस्प्रेसो VXi प्लस से मैनुअल वेरिएंट के साथ। और VXi MT टॉप वेरिएंट आता है एस्प्रेसो VXi प्लस का, तो वो 5.40 लाख का पड़ेगा। तो भी हमारी सेलेरियो 40,000 महंगी पड़ेगी आपको VXi प्लस MT वेरिएंट के एस्प्रेसो से। तो हमारी प्राइस के मामले में हमारी सेलेरियो ZXi महंगी पड़ेगी आपको। बात करते हैं हम सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट लुक से ही। तो गाड़ियों के फ्रंट लुक में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको लाइटिंग सेटअप तो सेम मिलने वाला है, लेकिन आप सेलेरियो ZXi में आफ्टर मार्केट के अंदर इसके अंदर फॉग लाइट डलवा सकते हो, लेकिन एस्प्रेसो VXi प्लस टॉप वेरिएंट में आपको ओनली DRL डलवा सकते हो। जब आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी और ऊपर वाली लाइट इतनी कुछ खास काम की नहीं रहेगी, तो आप फॉग लाइट डलवा के सेलेरियो ZXi में अपनी लाइटिंग सेटअप बढ़ा सकते हो, लेकिन एस्प्रेसो VXi प्लस में आपको ओनली DRL मिलेंगे, जिससे आपका फॉग लाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप अपनी गाड़ी के अंदर एस्प्रेसो में फॉग लाइट नहीं डलवा पाओगे। ये नेगेटिव पॉइंट मेरे को फ्रंट में लगा एस्प्रेसो VXi प्लस में। बात करते हैं गाड़ी के साइड लुक में। सबसे पहले टायर साइज के ऊपर, तो दोनों ही गाड़ी में आपको 165/17R14 के टायर देखने मिल जाएंगे और स्टील रिम के साथ मिलेंगे, और कंपनी फिटेड व्हील कैप आएंगे आपके दोनों गाड़ियों में। अलॉय व्हील कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको दोनों गाड़ियों में, और टायर साइज भी आपके 14 इंच रहने वाली है। अब हम बात करते हैं तो टायर साइज के मामले में हमारी दोनों गाड़ियाँ बराबर ही हैं, एस्प्रेसो VXi प्लस और सेलेरियो ZXi। और ओवर भी हम आपको ब्लैक कलर के नहीं मिलेंगे, दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर देखने को मिल जाएंगे जो गाड़ी को लुक को इनहेंस करते हैं। तो दोनों गाड़ियों में आपको और भी हम बॉडी कलर देखने को मिल जाएगी एस्प्रेसो VXi प्लस और सेलेरियो ZXi में। और ये ए पिलर और बी पिलर वाले आपको सेलेरियो ZXi में बॉडी कलर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एस्प्रेसो VXi प्लस में ये बॉडी कलर नहीं मिलेंगे आपको, ब्लैक कलर के मिलेंगे जो गाड़ी को स्पोर्टी लुक देंगे आपके एस्प्रेसो VXi प्लस में। तो ए पिलर और बी पिलर वाले ये वाले आपको बॉडी कलर मिलते हैं सेलेरियो ZXi में, और एस्प्रेसो VXi प्लस में ब्लैक कलर के मिलते हैं जो सही लुक देते हैं गाड़ी को। अब हम बात करते हैं गाड़ी के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फ्यूल कैपेसिटी के ऊपर। तो 35 लीटर का हमें सेलेरियो ZXi में मिल जाएगा फ्यूल टैंक, लेकिन 27 लीटर का आपको एस्प्रेसो VXi मिलेगा जो 8 लीटर या 7 लीटर के अप्रोक्स इसके अंदर फ्यूल कम आएगा आपको एस्प्रेसो में। जब आप लॉन्ग टूर करोगे तो सेलेरियो ZXi आपको 8 लीटर फ्यूल ज़्यादा कैरी कर सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर, एस्प्रेसो में आपको 27 की कैपेसिटी मिलेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गाड़ी के ऊपर डायमेंशन में। डायमेंशन में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है दोनों गाड़ी के ऊपर। तो बात करते हैं हम सबसे पहले सेलेरियो की लेंथ के ऊपर। तो 3695 में हमारी सेलेरियो की लेंथ मिलेगी आपको, और हमें एस्प्रेसो की लेंथ मिलेगी 3565 mm। तो 130 mm आपकी लेंथ के मामले में हमारी सेलेरियो ज़्यादा है एस्प्रेसो से। तो लेंथ के मामले में हमारी सेलेरियो ज़्यादा है एस्प्रेसो से। अब हम बात करते हैं गाड़ियों की विड्थ के ऊपर। तो विड्थ यानी चौड़ाई, यानी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। तो सेलेरियो में आपको मिलेगा 1600 mm, तो विड्थ मिलेगी सेलेरियो की 1600 mm, और एस्प्रेसो की मिलेगी आपको 1520 mm। तो विड्थ के मामले में हमारी सेलेरियो 80 mm ज़्यादा मिलेगी आपको, 80 mm आपको एस्प्रेसो कम मिलेगी सेलेरियो से विड्थ के मामले में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाड़ी की हाइट। ऊपर से लेके नीचे तक गाड़ी की हाइट मिलेगी आपको सेलेरियो की 1560 mm, और एस्प्रेसो की मिलेगी आपको 1550 mm। तो हाइट के मामले में हमारी सेलेरियो 10 mm बड़ी मिलेगी आपको एस्प्रेसो से। अब हम बात करते हैं गाड़ियों का कर्व वेट, यानी गाड़ी का वेट कितना है। टोटल मेटल सीट और गाड़ी के अंदर टायर और इंजन का पूरा टोटल वेट मिलेगा आपको सेलेरियो के अंदर 840 kg, और एस्प्रेसो को मिलेगा 65 kg। तो वेट के मामले में हमारी सेलेरियो थोड़ा ज़्यादा मिलेगी आपको, लगभग 75 kg आपको सेलेरियो भारी मिलेगी एस्प्रेसो से। VXi प्लस टॉप वेरियंट से आपको सेलेरियो ZXi 75 kg भारी मिलेगी। तो वेट के मामले में हमारी सेलेरियो थोड़ी आगे ही मिलेगी आपको। अब हम बात करते हैं गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में, यानी गाड़ी का रियर डिग्गी में कितना स्पेस मिलेगा आपको। तो सेलेरियो मिलेगा आपको 235 लीटर का, ये रहा हमारी गाड़ी का बूट स्पेस। तो 235 लीटर का सेलेरियो में देखने मिल जाएगा, और वहीं हमें एस्प्रेसो में मिलेगा 270 लीटर का। बूट स्पेस के मामले में हमारी सेलेरियो पीछे रह जाती है।
लीटर सेले एस्प्रेसो से। तो 270 लीटर का आपको एस्प्रेसो में देखने को मिल जाएगा बूट स्पेस। अब हम बात करते हैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। सेलेरियो में आपको मिलेगा 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और वहीं हमें एस्प्रेसो मिल जाएगा 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में 15 mm हमारी सेलेरियो कम है एस्प्रेसो से, तो 180 मिलेगा आपको एस्प्रेसो में ग्राउंड क्लियरेंस। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको सेलेरियो में चारों पावर विंडो देखने को मिल जाएगी ZXI वेरिएंट में और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ओ आर एम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी गाड़ी के ओ आर एम को एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक की। लेकिन एस्प्रेसो में आपको ओनली 2 पावर विंडो देखने को मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ओ आर एम नहीं देखने को मिल जाएगा, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर से ही जॉयस्टिक लीवर से। लेकिन वो बॉडी कलर देखने को मिल जाएगा, वो अच्छी बात है एस्प्रेसो VXI प्लस में। अब हम बात करते हैं गाड़ी के और डबल दिन का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको एस्प्रेसो VXI प्लस में मिल जाएगी, जो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा आपको। लेकिन सेलेरियो ZXI में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा वो टच स्क्रीन वाला, आप अफ्टर मार्केट के अंदर इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर टच स्क्रीन वाला लगवा सकते हो। लेकिन एस्प्रेसो में आपको कंप्लीमेंट्रेड ही मिल जाएगा ये वाला मीटर आपको एस्प्रेसो में, यहाँ पर खाली स्पेस देखने मिल जाएगा ये वाला मीटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर होगा जिसके अंदर आपको ये वाला एनालॉग मीटर नहीं होगा, ये वाला सुई नहीं होगी उसके अंदर। जैसे आपकी गाड़ी 80 चलेगी तो 80 लिखा हुआ आएगा यहाँ पे मीटर के अंदर। और पावर विंडो के स्विच आपको एस्प्रेसो VXI प्लस में यहाँ पे नहीं देखने मिल जाएंगे, ओनली यही मिलेंगे आपको। सेलेरियो ZXI में आपको पावर विंडो के स्विच यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, लेकिन एस्प्रेसो VXI प्लस में आपको पावर विंडो के स्विच यहाँ पर देखने मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम जस्ट नीचे ही। और सेलेरियो ZXI में आपको ब्लैक और बीज का कॉम्बिनेशन है इंटीरियर के अंदर, लेकिन एस्प्रेसो VXI में आप प्लस में आपको ओनली ब्लैक कलर का ही मिलेगा वो इंटीरियर और डैशबोर्ड। और सीट भी आपको बीज कलर की देखने मिल जाएगी सेलेरियो ZXI में, और फिक्स एड्रेस आएंगे इसके अंदर भी आपके। लेकिन एस्प्रेसो VXI प्लस में आपको ब्लैक कलर की देखने मिल जाएगी सीट, वो और वो भी फिक्स एड्रेस के साथ ही आएंगे, उसके अंदर एडजस्टेबल एड्रेस का नहीं ऑप्शन मिलेगा आपको। और बीच कलर का नहीं मिलेगा, ब्लैक कलर का मिलेगा आपको इंटीरियर एस्प्रेसो VXI प्लस में, सारे जगह ब्लैक कलर का मिलेगा। लेकिन सेलेरियो में थोड़ा लग्जरी फील आता है ब्लैक और बीच के कॉम्बिनेशन के कारण। अब हम बात करते हैं गाड़ी के लेग रूम के बारे में। तो सेलेरियो में आपको थोड़ा लेग रूम और हेड रूम अच्छा देखने मिल जाएगा कंपेयर टू एस्प्रेसो, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, एस्प्रेसो की लेंथ कम है, तो हेडरूम और लेग रूम आपको थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगा एस्प्रेसो VXI प्लस में। और ऐसा कुछ दिखता है इसका रियर से डैशबोर्ड का लुक, और एस्प्रेसो VXI प्लस में आपको ऐसा कुछ देखने मिल जाता है लुक। लुक पर्सनल चॉइस है आपकी, और एस्प्रेसो में भी आपको हम देखने मिल जाएगी यहाँ पे। और पीछे आपकी सीटें फिक्स एड्रेस देखने मिल जाएगी एस्प्रेसो VXI प्लस में भी, और सेलेरियो में भी आपको एड्रेस फिक्स मिलेंगे पीछे भी। और सेलेरियो ZXI में आपको एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पे पावर विंडो देखने मिल जाएगी आपको पीछे भी, लेकिन एस्प्रेसो में आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी वो विंडो। और एस्प्रेसो VXI प्लस में आपको मैंने बताया था कि म्यूजिक सिस्टम डबल दिन का आता है टच स्क्रीन के साथ, और उसमें आपको 4 स्पीकर नहीं मिलेंगे, लेकिन सेलेरियो ZXI में आपको 4 स्पीकर मिलेंगे। पीछे वाले डोर में भी 2 देखने मिल जाएंगे, और फ्रंट डोर में भी आपको मिल जाएंगे स्पीकर। तो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारी गाड़ी का की। तो एस्प्रेसो और सेलेरियो ZXI में एस्प्रेसो VXI प्लस और सेलेरियो ZXI में आपको ओनली एक रिमोट वाली की मिलेगी और एक नॉर्मल की मिलेगी जिसके अंदर इमोबिलाइजर लगा होगा। दोनों बटन वाली की नहीं मिलेगी आपको दोनों ही गाड़ियों में, और NTC वाला आराम नहीं मिलेगा दोनों ही गाड़ियों में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।